तो ध्यान देंगे सभी लोग, आज मार्क्यू कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड स्टूडेंट्स केवल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में ही अनाउंस कर दिया था और आपका अटेंडेंस केवल मार्क होगा, लेकिन मार्क्स आपका मेंशन नहीं होगा एमआरक्यू का। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। रूल वही है जो पुराना रूल है, ठीक है। हर क्वेश्चन का वेटेज होगा आपका 1 ना, और अगर आप, हाँ एक मिनट, अगर आप मार्क्स, अगर आप सही जवाब देते हैं, ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर गलत जवाब देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है, आप जो आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन बोनस पॉइंट में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका क्वेश्चन है आप आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन ट्रांसफर आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा और एक क्वेश्चन ट्रांसफर होगा आप लोग के लिए, ठीक है। अगर आप में से कोई भी गलत जवाब देता है तो नेगेटिव मार्किंग -1 होगा, ठीक है। अगर जवाब सही देते हैं तो आपका बोनस पॉइंट +1 होगा, ठीक है। एक तो पेज दे दो, तो पेज 1 मार्क्स, फुल मार्क्स मिलेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं अच्छा सर, अपना सर मतलब आंसर दे के फिर दोनों माने ओपन हाउस को गलती दे दे, नेगेटिव चला जाएगा, बोनस में नहीं, बोनस में नेगेटिव है। हाँ बोनस में नेगेटिव है, ये 0 हो जाएगा सर, माइनस है, चला सही पूछा या सही अपना आंसर सही दिया। हाँ किसी का बोनस उठाने गया तो नेगेटिव, हाँ तो नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल। चलिए स्टार्ट। फ्रॉम बिगनिंग, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। एक तरफ बैच 1, B1 बैच, एक तरफ B2 रोल नंबर। चलिए क्या है तुम्हारा रोल नंबर, बैच 1 में हो कि बैच 2? बैच 1 रोल नंबर, चलिए 44, बैच 1 ना। चलिए आपका क्वेश्चन है, वेरी गुड, 1, ठीक है, आपका रोल नंबर 45, बैच 1, आपका क्वेश्चन ये रहा, मोबाइल ये करो, मोबाइल ऐसा बंद रखिए, वेरी गुड, बैठ जाओ, रोल नंबर 15, रोल नंबर बैच 1 ही ना, 15, आपका क्वेश्चन ये रहा, गलत जवाब है, बैठ जाइए। एक क्वेश्चन ट्रांसफर होता है बोनस अंक के लिए, बताओ, अंडरस्कोर रोल नंबर बैच 1 में है,
40 आपका बोनस पॉइंट मिला प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट तुम बताओ, आपका क्वेश्चन ये है, सही जवाब है, बैठो। आपका ये क्वेश्चन रहा, इधर से लो, इधर से भी लेना की याद है। सही जवाब, रोल नंबर बोलो। 23 बैच 1 बैठ जाइए। नेक्स्ट तुम बैच 2, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन रहा ए, व्हाट इज द साइज ऑफ डबल डेटा टाइप इन VB.NET? व्हाट इज द साइज ऑफ डबल डेटा टाइप इन VB.NET? रोल नंबर बताओ। 35 बैच 2 सही जवाब है, बोलो। 35 बैच 2 बैठ जाइए, बैठो। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एंट्री पॉइंट मेथड इन VB.NET? समझाएंगे थोड़ी। एक क्वेश्चन ट्रांसफर होता है, एक क्वेश्चन ट्रांसफर होता है बोनस के लिए। सब मेन, वेरी गुड। रोल नंबर बताइए अपना। 19 बैच 1 19 तुम बताओ रोल नंबर। बैच 1 30 आपको एक बोनस पॉइंट मिला है। सम मेन, आप जानते हो ना कि सी में जैसे मेन फंक्शन होता है तो एंट्री पॉइंट फंक्शन बोलते हैं या एंट्री पॉइंट मेथड है, उसी तरह से इसमें क्या है, सब मेन है। चलो नेक्स्ट, ऑल इवेंट्स आर डैश डैश प्रोसीजर। All events are dash dash procedure. ये क्वेश्चन ट्रांसफर होता है बोनस अंक के लिए। हाँ बताइए। सब रूटीन, वेरी गुड। रोल नंबर बताओ। 27 बैच 1 कितना? 15 बोनस पॉइंट मिला। नेक्स्ट, व्हिच प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न? क्वेश्चन कुछ ज्यादा आसान सेट हो गया लेकिन फर्स्ट टाइम था इसलिए हम सोच। बैठ जाइए, सही है। रोल नंबर 21 क्वेश्चन कुछ आसान हो गया। व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्टैटिक वेरिएबल? सेट कीवर्ड। वेरी गुड, नहीं पढ़े हो और क्लास में ही तो याद करवा देते हैं। हर चीज हमको आदत है 2 बार 3 बार रिपीट करने का।
इसलिए आप वीडियो में हाईलाइट किया। हाँ, रोल नंबर बोलो। 30 बैच 1 ये बोनस अभी कहाँ मिला अभी? हाँ ये तुम्हारा ये क्वेश्चन का था, ठीक है। नेक्स्ट बैच 2 विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट कांस्टेंट वेरिएबल? सही जवाब। रोल नंबर बोलो। बैच 2 नेक्स्ट फिर से रिपीट होगा, ठीक है। हाँ, जब तक 1 आवर कंप्लीट नहीं हो जाता है इसका मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन का कमी थोड़ी है। बस बोले हैं 3 दिन तक MRQ चलेगा ना। अब जितने जितने बच्चे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, उतने का मार्किंग होगा। क्या नहीं तो आप इसमें नहीं, अब जो भी क्वेश्चन होगा आप बोनस के लिए होगा। कल भी आएगा तो कल भी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बोनस में। चलो नेक्स्ट। क्या अटेम्प्ट करना? तुम मार्क सही करोगे तो बोनस पॉइंट बढ़ेगा। अब निगेटिव मार्किंग होगा। हाँ जी, नहीं तो अब क्वेश्चन वो था ना, अब सब एक क्वेश्चन चल रहा है बोनस के लिए। अब क्योंकि स्टूडेंट्स कम है, ठीक है, अब इससे पूछा गया तो अब ये सभी के लिए क्या है, बोनस है। अब इससे पूछे, अभी नहीं बताएगा तो फिर एक बार आप लोग को बोनस के लिए वो चांस मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, निगेटिव मार्किंग तो अब होगा ही। अब सभी, मैंने क्या बोला कि अब जो आप जैसे एक क्वेश्चन आप पे था, ठीक है, सभी एवरी स्टूडेंट के लिए, अब वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये बोनस के लिए होगा, तो अब इससे ये होगा, अगर गलत जवाब दे दिया तो -1 होगा, और अगर अगर मान लो कि ये जवाब नहीं देता है तो 0 रहेगा, ठीक, 0 रहेगा। और अगर और वो क्वेश्चन सभी के लिए फिर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा बोनस के लिए। अब यानी सारा मार्किंग बोनस के लिए ही है। चलो ध्यान से आप दीजिएगा आंसर आप। नेक्स्ट व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ vb.net फाइल? और ये बोलो रोल नंबर 44 बैठो। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईडी? रोल नंबर 45 हाँ बैठो। गलत रहेगा तो हम खुद बोल देंगे गलत है। व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप? रोल नंबर 15 बैठिए। विच मेथड इज यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग वैल्यू इनटू डबल डेटा टाइप? एक क्वेश्चन ट्रांसफर होता है बोनस अंक के लिए। CDBL. Very good. CDBL. Roll number? 21. Bonus. Which keyword is used to create constructor in vb.net? और जो बात करते सुन लेंगे तो negative हो जाएगा आपका। बात कर, तुम अपना बोलो ना। नहीं, तुम बोलो जल्दी। Yeah.
30 सेकेंड ही टाइम है। रोल नंबर 23 बैचमन ना बट सही है। नेक्स्ट व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ओवरलोडेड फंक्शन। ओवरराइडेबल सही तो है। क्या कर रहे नेगेटिव ओवरराइडेबल यूज करते हैं ना जी। 27 है ना। हाँ बोलिए, इसमें कुछ कंफ्यूजन है दूर कर देते हैं। मार्टी के बाद बताएं। सर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब वो फिर अगर कमेंट तो करिए। हाँ तो हाँ बोलो तो वही। सर ओवरराइड ओवरराइड तो फंक्शन ओवरराइडिंग में होता है। सर ओवरराइड तो ओवरराइडेबल ओवरराइडेबल कीवर्ड नहीं था। वो तो ओवरराइडिंग। चलिए अब उसमें आप देंगे तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आ जाए ओवरराइडिंग का, इसलिए अभी नहीं। अब जैसे आप कैसे बोल दिए कि ओवरराइड्स मेथड ओवरराइडिंग में, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो, इसलिए अभी एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, एमआर के वो क्लास में आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट का कोई चांस नहीं है। ठीक है, आशीष कुमार ने बताया है कौन CDBL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्लास इन vv.net रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ डेटा टाइप। सही जवाब। रोल नंबर बताओ कितना। 19 प्लस 1 बैच 2 सर। हाँ बैच 2। व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट सब क्लास। उधर क्या देख रहे हो जी, मतलब कि कोई यहां देखो ना इधर। नहीं तो कोई बीच में नहीं है, कुछ बोलिए मत, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो फिर क्विज का क्या मजा आएगा, फिर देख लेंगे तो फिर माइनस वन कर देंगे बातचीत करते। हाँ मेहनत, क्वेश्चन बनाने में मेहनत किया गया है ना। एक क्वेश्चन ट्रांसफर होता है बोनस अंक के लिए। हाँ बोलो सही जवाब। 19 ना। नेक्स्ट क्लास लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। आपका नेगेटिव मार्किंग। रोल नंबर बोलिए क्या था। वन बैच टू ना। माइनस 44 क्या क्या वो बैठो। अच्छा ठीक क्या तुम नहीं, आप लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं। ठीक है, विच टूल ऑफ ओप्स इज यूज टू प्रोवाइड रियूजेबिलिटी। रोल नंबर 21। नेक्स्ट ओवरराइडेबल कीवर्ड इज यूज्ड इन डैश डैश क्लास। सुपर क्लास सही जवाब।
रोल नंबर 30 नहीं, फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। नहीं ओवरलोड, वो तो ओवरलोडेबल ही ना बोला था, ओवरराइडेबल तो नहीं बोला था। ओवरराइडेबल सुपर क्लास में ही ना यूज होता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एक्सप्रेशन 7 mod -9? बैठ जाइए। हाँ बोलिए सर। वेरी गुड। रोल नंबर 30। नेक्स्ट, रिजल्ट आज ही सुना देंगे आप लोग का, इसी के अनुसार मार्किंग कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आप लोग को जवाब देने का जरूरत नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ ध्यान से बोलो, जवाब दो। नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रहे। कंफ्यूजन है तो बैठ जाइए, नहीं बोलिए। सब क्लास, वेरी गुड। रोल नंबर। नेक्स्ट, माय बेस कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस मेंबर ऑफ डैश डैश क्लास। सुपर क्लास, सही जवाब। रोल नंबर 15। नेक्स्ट, डैश डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू ओवरराइडेड मेंबर वेरिएबल इन सब क्लास। सही जवाब 27। बेस्ट। विच कीवर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। रोल नंबर 19। हाँ बोलिए। In VB.NET, logical operator give which type of output? Question transfer होता है पूर्ण संख्या के लिए। तुम बोलो। Boolean type का। ये नहीं बोलो कि मौका देंगे, हम खुद बोल देंगे। 23। बैच 123। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इंक्लूड नेम स्पेस इन VB.NET? नहीं, हमको लगा कि तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, नहीं बता पाओगे, इसलिए इतना आसान क्वेश्चन सेट कर दिया। लेकिन अच्छा, अभी तो नहीं नहीं, अब फर्स्ट ये है ना, एमआरक्यू, उसमें इस बैच में इनपुट। हाँ सही जवाब। बैठिए। रोल नंबर 1। नेक्स्ट,
वेरी गुड। रोल नंबर 21। Must override. सही है ना? Yes. सही है, यही है। रोल नंबर 30। Which keyword is used to implement interface in class? क्या यहाँ मतलब लाइफ लाइन थोड़ी है कि हाँ पूछो, बात नहीं कीजिए। Which keyword is used to implement interface in, कौन सा कीवर्ड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है? ऐसा कुछ है इसमें, कोई तुमसे पूछेगा कि इंटरफेस हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इंटरफेस, इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? तुम क्वेश्चन ढूंढते रहते हो, आंसर ढूंढते रहते हो। क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सा कीवर्ड क्लास में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं? हाँ बस सही तो है। रोल नंबर कितना है? 40। अरे तुम बहुत पीछे चल रहे हो जी। नेक्स्ट मेन इज डैश डैश टाइप ऑफ प्रोसीजर्स। क्या सब? सब रोल नंबर बोलो। 23। बैच 1 बैठो। नेक्स्ट एक बार और राउंड चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यस सर। What is full form of .NET? Network? No. नहीं बैठे, माइनस वन होगा तुम्हारा। रोल नंबर बोलो। रोल नंबर 44। ऐसे थोड़ी होता है। कहीं से देख लिया क्या? रोल नंबर बोलिए। अभी एक भी बोनस नहीं लिया था ये। रोल नंबर 30। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLR? ये सब ऐसे ही मुंह पे याद रहना चाहिए सब टर्म .NET के लिए। वो क्या क्या रख, सब माइनस कर देंगे उसको, हटाया तुम वहां से। हाँ बोलो, एक लाइन और बोलो कि माइनस वन करें, बोलो। तुम भी आप तुमसे अब लेंगे, तुम नोट्स रखे हो, बोनस सब तुमको मिल रहा है। बैठो, हाँ बोलो। तुम कहाँ पीछे चल रहे हो? नेक्स्ट सही जवाब। रोल नंबर 15। हाँ गलत नहीं है, 5 है तुम्हारा, हर बार याद दिला रहा है। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन
What is an extension of project file in pv.net? गलत जवाब सर 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 बोलो ट्वेंटी सेवन था ना तुम्हारा ex ऐसे भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है ट्वेंटी वन नेक्स्ट What is the name of root namespace in .NET? Root namespace. जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ठीक है बात नहीं कीजिए जैसे आप जावा में आप जैसे जावा डॉट आईओ पैकेज लिखते हैं सभी पैकेज का सुपर पैकेज क्या होता है जावा जावा इज ए सुपर पैकेज अब उसके आधार पे ठीक है आप बता सकते हैं वेरी गुड क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने वैसे डिस्कस नहीं किया था क्लास में लेकिन मैंने हिंट जावा के आधार पर दे दिया हाँ रोल नंबर बताओ 90 नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जिट ये तो बता सकते हो जावा से ही पढ़ना स्टार्ट किया हो हाँ बताओ जस्ट इन टाइम वेरी गुड जस्ट इन टाइम रोल नंबर बोलो 45 बैच वन ना नेक्स्ट विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू मास्क सेट ऑफ कैरेक्टर्स अच्छा ये अब आ गया फिर भी जीवाई पढ़ाए हैं आप बोल सकते हैं इसमें जल्दी ही डिस्कस किए थे बोलो Which property is used to mask set of characters for password in text box? Text box control में हम password field उसको बनाना चाहते हैं कौन सा property यूज करते हैं क्वेश्चन ट्रांसफर होता है बोनस के लिए अब तो तुम ही हो बताओ सर याद आ रहा है कि पासवर्ड चेक कंट्रोल पासवर्ड क्या है वेरी गुड 21 का नेक्स्ट ये क्वेश्चन नहीं बताए हैं पढ़े हो हाँ बोलो रोल नंबर 21 नेक्स्ट Which attribute is used to get index value of selected item from combo box? ये बताया ही है जल्दी ही बताए हैं कौन सा attribute, कौन सा property यूज करते हैं combo box value को index? आप नहीं पढ़े हम तो पढ़ाए हैं क्वेश्चन ट्रांसफर होता है बोनस अंक के लिए हाँ बोलो रिक्स लो रिक्स लेना चाहिए बोलो हो सकता है सही हो जाए सही जवाब बोलो रोल नंबर 44 कहाँ तक पूछे थे Which property is used to mark checkbox? बताए हैं ये checkbox, radio button checkbox कि नहीं बताए हैं checkbox अभी UI control में ठीक है तो दूसरा question तुम पे transfer हो रहा है ये तो पढ़ाए Which property is used to get element from combo box? तुमको ध्यान नहीं है पढ़ने पर ये क्वेश्चन ट्रांसफर हो रहा है बोनस के लिए हाँ बोलो अकेले हो बोलो टैक्स हाँ तो टैक्स
और दूसरा है सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम रोल नंबर 19. लास्ट व्हिच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सिलेक्ट आइटम फ्रॉम रेडियो बटन, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं पता करेंगे कि जेंडर सिलेक्टेड है या मेल सिलेक्टेड है या फीमेल. रेडियो बटन क्वेश्चन ट्रांसफर होता है बोनस अंक के लिए. चेक्ड रोल नंबर 27. चलिए अब मैं रिजल्ट बताता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6+1, 7. 1, 2, 3, 4 यानी 4+1, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 3. 1, 2, 3, 4. 3. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 2. 1, 2. फर्स्ट रैंक पे है रोल नंबर 21. हाँ 7. नहीं बोनस बोनस 6 है और एक ये है. नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सेकेंड रैंक पे 3 स्टूडेंट हैं रोल नंबर 30 और रोल नंबर 15 और रोल नंबर 19. ठीक है सेकेंड रैंक पे. और थर्ड पे है नहीं 5 है और थर्ड पे है ठीक है 23 रोल नंबर 23 रोल नंबर 40 ठीक है 2 इस हाँ रोल नंबर 40 और रोल नंबर 23 ओनली और 4 मार्क्स और 3 मार्क्स पे है ठीक है रोल नंबर 44 रोल नंबर 45 बस. और इसके बाद रोल नंबर 1 है 2 रोल नंबर 27 है 2 और रोल नंबर 35 भी है 2. चलिए आप लोग का कंप्लीट आप लोग का इसके अनुसार मार्किंग हो जाएगा ठीक है. कल पर करने जरूरत है ना. हाँ जी बिल्कुल. अब आइए अब अटेंडेंस बनाते हैं. अच्छा सेकंड